नयन पथगामी भवतु मे। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। की सुंदर भाव, की अपूर्व श्रद्धा, तीर्थराज महोदधिन को कुलरे भक्त माने एक लयरे एक चित्तरे गोटे मनरे आज्ञा देख समस्त दृष्टि कुआड़े जो तीर्थराज महोदधिन आलतीर पीठ आलतीर स्थल से क्षेत्र को सही पीठ को समस्ते चाह रही। जय जय जगन्नाथ नाद हरिवल हुड़हुड़ नाद रे प्रकंपित ये तीर्थराज महोदधिन बेलाभूमि ये क्षेत्र तीर्थराज महोदधिन दर्शन आज्ञा आप माने करिवा आलतीर दर्शन करिवा आबाल वृद्ध वनिता समस्ते दंडायमान हुई प्रतीक्षा करिछंती आलती दर्शन करिवे एवं अतीत पावन नारायण आलती दर्शन मध्य कले आज्ञा संध्या समय एवं आलट परे परे चामर सेवा चली पूजापंडा सामंत महाभाग आलट चामर सेवा करुछंती अतीत पावन नारायण को एपटे आज एक विचित्र संयोग बा प्रभुंकर कृपा कौन ना एका साथी रे तीर्थराज महोदधिन आलतीर दर्शन पतित पावन नारायण का आलतीर दर्शन आज्ञा कर आलती दर्शन पतित पावन कले तीर्थराज महोदधिन आलती दर्शन कर गोटे साथी रे ये विचित्र संयोग प्रभुंकर कृपा एवं आसंता काली भोर चारिटारु पवित्र देवस्नान पुण्यम सीधा प्रसारण बिना विज्ञापन विरति देखिपर केवल जय जगन्नाथ टीवी रे आउ मात्र 17 दिन अपेक्षा आथर रथयात्रा देखा बिना विज्ञापन विरति केवल जय जगन्नाथ टीवी रे आज महाप्रभुंकर सेनापटा लगी चतुर्थी होम कि समस्त नीति सेनापटा लगी संपन्न महाप्रभुंकर होती आरतीर जो पूजा रही था हस्तरे घंटी धरी बाम हस्तरे दक्षिण हस्तरे जल चलुक धरी पुष्परे नैवेद्य अर्पण कर नैवेद्य अर्पण कर यज्ञोपवीतरे मंत्र को जप करुछंती हस्तमाला एवं गोवर्धन मठ शंकराचार्य मठ पूर्वामनाय ऋग्वेदीय पूर्वामनाय गोवर्धन मठ शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठित जगन्नाथ धाम परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी पीठ मठर विद्यार्थी ब्रह्मचारी मान देखंतु कि सुंदर भाव रे करताली सहित भगवान नाम उच्चारण करुछंती एवं नित्य ये माने वेद को अध्ययन करते पूजा जिते बड़े सरी आलतीर अयमारंभ हम आलती करे चंदन को गंध को आलती दानी सर्वंग सर्वत्र लेपन प्रलेप दौंत लेपन करंदन प्रलेप दि जाऊँगी कारण आलती कला बेले जेहेतु तीर्थराज भगवान आलती हम आलती दानीटा मध्य दिव्य होता दरकार से भव्य होता दरकार तेबे जाइकिरी आम अर्पण करवा तीर्थराज भगवान महोदधि को अर्पण करवा सुंदर भाव प्रलेप दौरान कहार प्रलेप ना चंदनर प्रलेप आलती रानी एवं आलती जिते बड़े करुं आलती आरंभ हम चंदनर प्रलेप दि सर पुष्पमालाटी को आणिकी प्रदान करुंट आलती दानी पुष्पमालाटी को लागी करुंमालाटी को किपर लागी कर देखु आप गुड़ई दौरान रज्जु जमी सूता गुड़िया जाए से पुष्पमाला को गुड़ दौंट आलती जिते बड़े तीर्थराज भगवान आलती करा तीर्थराज सकल देवता मान देखिए ये परम पावन सर्वेशा चैव क्षेत्राण राजा श्री पुरुषोत्तम ये क्षेत्र राजा इटि तीर्थराज तीर्थ मानकर राजा महोदधि राजा तेणु जगन्नाथ मध्य राजाधि राजराजेश्वर स्वराट सम्राट देवाधि देवराज तेणु तांको क्षेत्र जो तीर्थराज महोदधि तांकर जो आलती हम निश्चित भाव से आलती दिव्य होता दरकार भव्य होता दरकार एवं परिवेश दिव्य होता दरकार ये परिवेश को दिव्य किपर ये परिवेश दिव्य हो जाऊँगी ना भक्त मानकर कोलाहल भक्त मानकर भिड़े भक्त गहल चहल चलचंचल तीर्थराज महोदधि कूल समस्ते ऊर्धवाहू हाथ ऊपर को टेकी जय जय जगन्नाथ नाद एवं हरिबोल हुड़हुड़ी नाद करुछंती आउ केही केही माँ माने देखंतु आज्ञा हाथ को दुई हाथ को जोड़ी दौंत प्रणाम करुछंती तीर्थराज भगवान एवं घरे रही दूर रही मोर बापा माँ भाई भौनी माने मध्य जय जगन्नाथ टीवी रे
महोदधी आलती दर्शन करुछंती समस्त को आज्ञा अकिंचन तार हृदय गभीरतम प्रदेश विपुल श्रद्धा भक्ति सम्मान अर्पण करुच्ची आसंता काली भोर चारिटारु पवित्र स्नान पुण्यमर सीधा प्रसारण आज्ञा बिना विज्ञापन विरती रे देखिपरिया केवल जय जगन्नाथ टीवी रे एवं आउ मात्र 17 दिन अपेक्षा एथर रथयात्रा देखिबा बिना विज्ञापन विरती रे केवल जय जगन्नाथ टीवी रे एवं घरे बसी निज टीवी परदारे पुरी रु प्रत्येक दिन महाप्रभु श्री जगन्नाथ को लाइव दर्शन करी निजर दिन को मंगलमय करंतु महाप्रभुंकर वर्ष सारा हेउथबा समस्त दिव्य लीलार सीधा प्रसारण देखंतु केवल जय जगन्नाथ टीवी रे जय जगन्नाथ टीवी देखिबा पई आपणकर डीटीएस केवल ऑपरेटर सहित जोजोग करते क्षेत्र सिद्धराज महोदधी क्षेत्र महोदधी आरती अयमारंभ घंट ध्वनि घंटनाद चारिगोटी घंट आज आप देखिपुन ये चारिगोटी घंट ध्वनि करकंटक घंट ध्वनि एवं डांग साहय गोटे तालरे घंट बाजुचे अग्नि संजोग कर्पूर उपरे पड़ी बलिता बती उपरे कर्पूर घृत युक्त बलिता ताऊपर कर्पूर जोबले कर्पूर पड़ी अग्नि संजोग वर्तमान संस्कार करुंट से आलती दानी संस्कार करी से आलती अर्पण करेंगे आलती करेंगे तीर्थराज महोदधी एवं आलती दर्शन इंद्रिय मानंक उपरे आलती दर्शन रो प्रभाव आमर जो इंद्रिय रही ये इंद्रिय मानंक उपरे आलती रो कौन प्रभाव पड़े आलती रो कौन प्रभाव पड़े ना आपण देखिबे आमर ये शरीर मध्य आज्ञा गोटे मंदिर आमर ये शरीर जो मंदिर ये शरीर मंदिर देहो देवालय प्रोक्त बोली कह जाए तेणु ये देह को देव मंदिर बोली कह जाए ये देह गोटे मंदिर श्रीमंदिर यही देह मंदिर मध्य आत्मा जगन्नाथ रही तेणु से आत्मा को प्रतिष्ठा जो आज्ञा ये देह सुंदर तेणु से ही देह मध्य देही जगन्नाथ को उपलब्धि करवा आलती दर्शन द्वारा आम जगन्नाथ को मध्य उपलब्धि करवा आलती दर्शन समय रे जगन्नाथ चिंतन आउ देह मंदिर मध्य ये दस द्वार विशिष्ट दसटी द्वार अच्छे आज्ञा इंद्रिय आम शरीर में जो इंद्रिय मान रही तेणु ये चर्म बेढ़ी सीना चौरासी की चित्त तु दिय नीलगिरीवासी की छुईबे ना तोते बोलिबे मड़ा छखंडी काठ हेब तोपाई लोड़ा केवल इंद्रिय तुप्त इंद्रिय को संतुष्ट करिवार आम लगे आज्ञा किंतु ये आलती दर्शन रे इंद्रिय मानंक उपरे आलती दर्शन रो कौन प्रभाव पड़ी था ना आम नेत्र नेत्र आज्ञा आम दर्शन पाप मध्य रही केतक दृश्य आम देखुचे खराब जिनस देखिले आमर आखि मध्य पापर भागीदार होता है आखि मध्य पापर युक्त होता है तेणु आलती संदर्शन द्वारा आलती संदर्शन करने द्वारा आमर नेत्र आखि जनित पाप आखि द्वारा करिथिबा पाप ये नष्ट हो जाए पंच प्राणेन्द्रिय पंच घ्राणेन्द्रिय आम शरीर अच्छा ज्ञानेन्द्रिय प्राणेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय तेणु इपरी भाव रे 84 लक्ष जोनि मध्य मनुष्य जन्म आज्ञा श्रेष्ठ आउ ये मनुष्य शरीर मध्य निज अंगुली आज्ञा 84 अंगुली परिमित बोली मध्य जोगीगण मत प्रकाश करिछन्ति तेणु ये 84 अंगुली विशिष्ट शरीर भितर इंद्रिय रही अछन्ति आमर आउ ये इंद्रिय उपरे कौन प्रभाव पड़ता है आलती दर्शन कले ना मन में आज्ञा एकाग्रता आसुन थाए आलती दर्शन करने द्वारा आम मन भितर एकाग्रता आसी था एकाग्रता आम मन केत आसब ना जितेबले आम आलती दर्शन करवा देख भक्त मैंने दर्शन करुं मन ये स्थिर हो जाए स्थिरता आसीगले प्रभुंकर सानिध्य पाइबे स्थिरतार आवश्यक रही तेणु आपण सुंदर भाव में तीर्थराज महोदधी आलती दर्शन करुछंती एवं मन मनरे जितेबले स्थिरता आसी जाए
सेतेबेले परमात्मा सानिध्य आम को प्राप्त होता है। तेणु आपण देखिए मनुष्य मध्य अंतकरण चतुष्टय रही। ये अंतकरण चतुष्टय कौन ना मन बुद्धि अहंकार एवं चित्त ये हेले अंतकरण चतुष्टय। मन कौन ना मन हूँ संशय आत्मिका। मन सब बेले आज्ञा संशय भितर बुड़ी रही आ मन देखिए सबु विषय द्वंद सृष्टि करे। मन मन सब विषय गोटे द्वंद सृष्टि करे। मन बुद्धि अहंकार मन बुद्धि अहंकार एवं चित्त ये जो अंतकरण चतुष्टय। मन हूँ संशयात्मिका एवं बुद्धि हूँ कौन ना निश्चयात्मिका विचार संपन्न। ये अहंकार अहंकार हूँ भावात्मिका बा अभिमानात्मिका। तापर है चित्त। चित्त कौन ना अनुसंधानात्मिका। ये जो चारोटी अवस्थार विलोपन हेले अर्थात वृत्ति प्रवाह अवरोध विलीन एवं निरुद्ध एवं विलय न होवा पर्यंत केते बेली मध्य आत्मतत्वर प्रकाश हो पारिबो नाही। तेणु यही मन ही बंधन यही मन ही मुक्ति। तेणु भगवान कहले कौन गीतारे कहले मन एव मनुष्याणं कारणं बद्धमोक्षयोः बंधाय विषयासक्तः मुक्तोः निर्विषयं स्मृतम्। मन ही बंधन एवं मुक्तिर कारण। विषयासक्त मन बंधन सृष्टि करे आउ विषय शून्य मनर निष्काम अवस्था ही आज्ञा मुक्तिर कारण। तेणु आलती आम इंद्रिय परे ये आलती दर्शनर प्रभाव सर्वप्रथमे जेतेबेले आम मन स्थिर मनरे स्थिरता आसी जाए जो अंतकरण चतुष्ट आम रही मन बुद्धि अहंकार एवं चित्त। तेणु से ही कथा कहगला शास्त्र रे ये आमर ये चारोटी अवस्थार विलोप न हेले अर्थात वृत्ति प्रवाह अवरोध एवं विलीन निरुद्ध एवं विलय न होवा पर्यंत आत्मतत्व प्रकाश हो ना। आरती दर्शन कले आम इंद्रिय मानक पर मध्य सुप्रभाव पड़ी थाए भल प्रभाव पड़ी थाए। तेणु ये मन सर्वप्रथमे कहगला मन ही बंधन एवं मन ही मुक्तिर कारण। तेणु विषयासक्त मन बंधन सृष्टि करे आ विषय शून्य मनर निष्काम अवस्था ही आज्ञा मुक्ति। यटा ही मुक्तिर कारण। तेणु विषय शून्य तेणु योगशास्त्र आज्ञा कह कौन ना मन को चारि भाग में विभक्त करोगशास्त्र गोटे मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एवं एकाग्र। मनर ये चारि अवस्था को अतिक्रम कले निरुद्ध अवस्था लाभ हुए। मनर जदि विलय घटे मनो मनोनाश द्वारा आत्म उपलब्धि घटे। चारि वेद तेणु चारिगोटी अवस्था परा पश्यन्ति मध्यमा एवं बैखरी। मनर चारिगोटी अवस्था जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति एवं त्वरीय। चारि वर्ण मध्य देखिबे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र एवं चारि आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास परी। महाप्रभु को मध्य देखंतु जगन्नाथ मंदिर मध्ये चतुर्धा मूर्ति दारु ब्रह्म प्रभु जगन्नाथ बड़ ठाकुर देवी सुभद्रा चक्रराज सुदर्शन भगवान विराजित होकर अच्छा। एवं कर्म ज्ञान एवं भक्ति समन्वय साधना द्वारा मध्य आमर सुदर्शन अवस्था लाभ हुए। तेणु दर्शनर अन्य नाम हूँ तत्वज्ञान। आउ से तत्वज्ञान उपलब्धि अवस्था को सुदर्शन कहूँ। आलती करुछंती आचार्य महाभाग समस्त भक्त माने दर्शन करुछंती एवं आलती दर्शन करने द्वारा मन भितर आमर जो सब महिला गुड़िक था महिला गुड़िक सफा हो जाए एवं मन निर्मल हो जाए। मन निर्मल हो गले आत्म उपलब्धि घटे। तेणु ये आलती दर्शन आम इंद्रियों पर अनेक सुप्रभाव पकई था। आलती दर्शन करी प्रत्येक दिन से आलती को आज्ञा पाइबे पाती भक्त शेष आलती दर्शन तो करम आलती को मध्य पाई था। तेणु ता एक स्वतंत्र कथा। प्रत्येक दिन आलती प्राप्ति होवा द्वारा प्रत्येक दिन
बा अघ्राण करिबा द्वारा अघ्राण मुक्तिदह तस्यात नित्यम से आरती आमक मध्य मुक्ति प्रदान करिथांत एवं कि सुंदर भाव रे देखंती कि परिवेश ई वातावरण सिद्धराज महोदधिंकर आरती आरती दर्शन जी सब बेले आज्ञा चिड़चिड़ी होतबे क्रोधी लोक तांको प्रत्येक दिन आरती दर्शन करंत धीरे 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 देखिबे क्रोध शांत हो तेणु प्रत्येक दिन आरती दर्शन करवा दरकार कारण इंद्रिय उपरे आमर भल प्रभाव सुप्रभाव पड़ी था आरती दर्शन आरती संपन्न होला घंट गुड़िक जो बाजुला से घंट गुड़िक सब पुनः भूमि पतित हेले एवं जो कुनी कुनी छोट छोट देखु देखुंट आपण माने ब्रह्मचारी माने वेद वैदिक माने वेद अध्ययन करती माने नित्य शिव वेदो वेद शिव वेदध्याय सदा शिव तस्मा नित्य प्रयत्न वेदमेव सदा पठेत आरती संपन्न करी आरती को हस्तरे धरी तीर्थराज समीप को सन्निधि जिते बड़े पहुँची तीर्थराज पलै आसबे देखंतु भक्त मानकर पाद धोवा सहित आचार्य मानक कृपा कले ये हूँ भाव आज्ञा समुद्र कूल को जीवे समुद्र कहीं पाद धोई दिंती कि लहड़ी कहीं पलै आसे गोटे सुंदर कथा रही किंवदंती रही भगवती लक्ष्मी जिते बड़े बाप घर को समुद्र देवता कहले जानलु झील तो स्वामी हूँ जगतर मालिक अखिलांड कौटी ब्रह्मांडर नायक समस्त पाखे सेवा करके सेवा करती महालक्ष्मी मन को जिते बड़े कथाटी ठीक लगला कह हाँ बापा आप ठीक कौन वरुण राजा बापा आप ठीक कौन महालक्ष्मी जा प्रभु कहले कह प्रभु समस्त आपखे सेवा करो बापा आपण सेवा कले हाँ तीन कौन टी सेवा दौना महाप्रभु कहले शशुर कौन ज्वईर केते बेले सेवा करे ना नाई प्रभु ये सीना लौकिक रीति रे आपणकर ज्वई शशुर संपर्क आपण तो अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक त्रिगुणातीत भक्त मान मध्य देखंतु आनंदर सहित भावर सहित अनेक हाथ उठी जाउची आउ मुखरे से प्रेमर हस भाव तेणु जगन्नाथ कहले हे लक्ष्मी तुम पिता यही कहती सेवा जे मोर जो भक्त मान आसवे जिते समुद्र कूल को जीवे पाद धोईदे मोर सेवा ही गला तेणु सुंदर दर्शन आलतीर दर्शन आपण मैंने करुले आलती दर्शन कर सारापर वर्तमान तीर्थराज महोदधि दर्शन करी आसतु अकिंचन तीर्थराज महोदधि को प्रणाम कर अकिंचन बाणी को विराम देव आसतु